मुंबई के बोरीवली क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सचिन अहिर का जोरदार स्वागत किया गया। वैसे इस कार्यक्रम के आयोजक कौशिक पंचोली के अनुसार इस बार मुंबई के हर क्षेत्र में राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से परिवर्तन सभा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बोरीवली में भी एनसीपी ने कार्यक्रम रखा और सचिन अहिर ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भाषण दिया। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। कि आपकी ही जबाबदारी है कि तालुका अध्यक्ष नाते से ही सुरुवात आज अपन इकडनं झालेली आहे। ही सुरुवात आता प्रत्येक वार्डावार्डामध्ये जाऊन तुम्ही अशा प्रकारे ही चौकसभा किंवा ही रॅली गोष्टीचं विश्लेषण लोकांच्या समोर करणं गरजेचं आहे। खरं तर आपण पाहिलं असेल की 2.5 वर्ष अगोदर देशामध्ये परिवर्तन करण्याचं काम केलं सर्वांना वाटलं। आज विशेष तौर पर पंचोलीजी सबको आभारी है। ये कावज होती थी मुर्गी डाल बराबर, अब कावज उल्टी हो गई है कि मुर्गी सस्ती लेकिन डाल महंगी होती जा रही। और अगर कुछ परिवर्तन हुआ होगा तो एक ही बाबा का परिवर्तन हुआ कि रामदेव बाबा जी का चूरन 40 रुपए में बिकता था, अभी आज 80 रुपए में बिकने लग गया। पतंजलि कंपनी 2 साल पहले कुछ को पहचानता था कि पतंजलि कंपनी क्या है, पर आज वही पतंजलि कंपनी का टर्नओवर 5000 करोड़ का और आगे आने वाले 5 सालों में 50000 करोड़ का टर्नओवर होगा। रामदेव बाबा जी कहते थे मोदी जी को लाओ काला धन पाओ, मोदी जी आएंगे काला धन लाएंगे, लेकिन अब रामदेव बाबा कहाँ दिखते नहीं, अगर वो दिखते होंगे आज टीवी में एडवर्टाइज में देखने को मिलता है। पतंजलि का शहर और उसको कहने का काम किया कि हम उसको समर्थन देंगे, लेकिन विरोध इसलिए किया कि यहाँ की व्यवस्था तो सुधारी है। 63 परिपत्रक आरबीआई के गवर्नर आने के बाद उन्होंने निकालने का काम किया था, 63 परिपत्रक का लिए गवर्नर ने आपका विरोध क्या होता है ये तो था। पहला उन्होंने कहा कि 4000 रुपया विड्रॉ कर सकते बाकी जाना नहीं, लाइन लावत लावत असताना चुकून समजा नंबर तुमचा जवळ आला, पहिल्या तर 9 वाजता लाइन लावावं लागते, 11 वाजता बँक उघडते, 3:30 नंबर आला आणि ते टोकन घेऊन जर अगर आपण बँक मॅनेजर के सामने आईने बोला अरे बाबा आज काय आज पैसा खतम हो गया अभी कल वापिस आना, ठीक है अभी हर दुकान में एक गिलास रखना पड़ेगा, ये जैसे पानी का गिलास है वैसा करके मैं नोट लाओ डुबाओ, देखो पानी इधर है ओके कलर निकला वेरी गुड चलो ओरिजिनल है नोट, इसका कलर निकला नहीं वो क्या चल रहा है देश में। और अगर हम बोलेंगे विरोध कई बोले तुम देश के विरुद्ध में बात कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो, हमने सब लोगों ने मांग की आपने देने का काम की, 50 दिन रोको हम आगे आने वाले 2.5 साल में भी नहीं मिले, जो स्थिति देश की है राज्य की है उसी तरह से महानगर पालिका की स्थिति है। आज 20 साल से शिवसेना वहां पे काम कर रही है, आज वाटर गटर मीटर के साथ ही मुंबई शहर की समस्या अब तक खत्म नहीं होते हुए हमको देखने को मिल रही है। आज खड्डे में रास्ता है कि रस्ते में खड्डा है, यही मुझे दोनों तास पानी होते होते सुकून आला तक पहला 15-20 मिनट हवा येते, सुकून आला नंतर पानी येते, तोही गडूळ पानी होतो आणि नंतर अर्धा तास जी काय वाळली वळली भरून आपण तिकडे काम करतो। तुम्ही आता प्रयत्न करून चांगल्या चांगल्या लाईन मेन आणून देत आहे, एवढी खाली गेली तिकीट के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हो क्योंकि उन्होंने 5 साल में बहुत सारे काम किए हुए हैं, यहाँ पे बीजेपी की नगर सेविका होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही है और कौशिक भाई की वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह रौनक आई है और गुजराती होने के कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 बजे से बच्चे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग कार्यकर्ता का मेलावा रखा हुआ है तो भी 3 बजे से कार्यकर्ता बच्चे लोग इतनी जोर जोर से बैठे हुए हैं और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठे हुए हैं। सचिन भाई को हम लोग सब राह देख रहे हैं और उनकी जीत पक्की है ऐसा हम लोग मान चुके हैं। अगर आपके वार्ड की बात किया जाए तो अभी तक जो मुंबई महानगर पालिका ने आपको बजट दिया था उसमें कितना आपने खर्च किया पूरा किया? मैं 10 साल से नगर सेविका करके काम कर रही हूँ और राष्ट्रवादी के नगर सेवक के नाम से पूरा मुंबई में जितने नगर सेवक है 13 नगर सेवक उसमें से ज्यादा वोटिंग 2012 में मेरे को हुई थी, अरे वो हिसाब से मैंने काम किया इसके लिए लोगों ने आज मुझे ज्यादा विश्वास डाल के मेरे को जीतने दिया है। ये गलत सेंटेंस है, मैं 2007 से नगर सेविका करके काम कर रही हूँ, मेरे वार्ड में 10 सालों में मेरे वार्ड में कुछ भी काम बचे नहीं है, सिर्फ बचे है माडा के अंदर जो प्लॉट्स है सीआरजेड है मैंग्रोव है ओपन स्पेस है वो प्लॉट हैंडओवर नहीं हो रहे। डीपीडीसी के मीटिंग में भी मेरा यही वाद है, जो महानगर पालिका ने 20 ईयर्स बिफोर वो फ्री ऑफ चार्ज महानगर पालिका को हैंडओवर करना था वो अभी तक किए नहीं है, उसके वजह से मेरा बहुत फाइट चल रहा है। उतने ही काम मेरे बचे हुए हैं कि उसका ब्यूटिफिकेशन और लोगों के काम वो प्लॉट आना चाहिए, बाकी अन्यथा मेरे रोड में जितने किलोमीटर रोड है ड्रेन है पानी का लाइन है जितने गार्डन्स है जितने ब्रिजेस है A to Z काम खत्म हो चुके हैं। अगर हम बात करें वो
नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश, आप देख रहे हैं आईएनएस मुंबई। आज हम उपस्थित हैं वार्ड क्रमांक 13 के हमारे साथ प्रभावी उम्मीदवार हैं कौशिक पंचोली जी, जिन्होंने खास कुछ काम किया है जिसकी वजह से आज उनका नाम इस कदर है कि लोग उनके नाम से भी ताता खाने लगे हैं। आज हमारे साथ है कौशिक पंचोली, उनसे बात करेंगे किस तरह परिवर्तन रैली का आयोजन किया था, चौक सभा का आयोजन किया था, उसमें बड़े बड़े दिग्गज आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, पंचोली जी से बात करें। पंचोली नमस्कार। नमस्ते। किस तरह का कार्यक्रम आज रहा है और क्या इसका उद्देश्य रहा है? परिवर्तन रैली का एक ही उद्देश्य था कि मोदी सरकार फिलहाल जो अपने पूरे हिंदुस्तान में सबको गुमराह कर रही है और वो गुमराह के रास्ते से सबको बाहर निकालना और अपना राष्ट्रवादी पार्टी का जो उद्देश्य है वो सबके सामने रखना कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के पक्ष के जरिए जो पब्लिक को समझाना चाहते थे वो उद्देश्य से हम गली गली हर चौराहे पे चौक सभा का आयोजन कर रहे हैं। मंजाल जी, सबसे बड़ी बात ये है कि परिवर्तन रैली मतलब देश परिवर्तन करना चाहते हैं, वार्ड परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने लोगों में परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्या उद्देश्य रहा है परिवर्तन रैली? परिवर्तन रैली का सिर्फ हमारे लिए एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी ने जो सबका माइंड वॉश किया हुआ है कि गड़ी गड़ी बता रहे कि अपना क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास जूठा वादा सब बड़े बड़े सपने दिखाना ये सब दिखा के सब आम आदमी को जो गुमराह कर रहे हैं। हाँ, तो वो हिसाब से हमारी राष्ट्रवादी पार्टी ये बताना चाहती है कि बड़े बड़े वादे बोलना आसान है, जब आम आदमी के बीच में हम जाते हैं तो वादे को पालना पड़ता है, सबको एक साथ में लेके चलना पड़ता है। तो वो हिसाब से हम परिवर्तन रैली और चौक सभा के जरिए ये बताने जाते कि हम घर घर जा रहे हैं और हर एक आदमी की जो जो समस्या है वो समस्या को हम अपने घर की समझ के उसका निवारण करने हेतु सबको मिल रहे हैं, तो वो हिसाब से हम परिवर्तन रैली कर रहे हैं। पंचोली जी, जिस तरह से आज सभा हुई है जाहिर सी बात है बीजेपी के लोग भी यहाँ पे, नगर सेविका भी है, लेकिन हम एक बात पूछने की कोशिश करेंगे कि परिवर्तन रैली को देखते हुए बीच में भी एक वार्ड में भी परिवर्तन रैली आपके लिए दूसरी परिवर्तन रैली है, इसका क्या दिक्कत है? बीजेपी ने भी अपना एक परिवर्तन रैली का आयोजन किया, क्या बात है कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश कर रही है, इम्प्लीमेंट वो भीड़ को देख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार? मोदी जी हिटलर का काम करते है, कभी उन्होंने कभी किसी से कुछ सीखा नहीं। आज राष्ट्रवादी पार्टी के जरिए उनको परिवर्तन रैली का एक विचार आया कि आज परिवर्तन रैली के माध्यम से अगर घर घर जाके राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है मेहनत कर रहे उससे उनको कुछ सीख मिली और वो आगामी दिनों में बिहार में और यूपी में परिवर्तन रैली का आयोजन करने हम लोग के साथ और हम लोग का देख के करने को जा रहे हैं। कौशिक जी, आशावादी पार्टी यहाँ की अभी करंट नगर सेविका है, वर्तमान नगर सेविका है, उन्होंने क्या कुछ ऐसा नहीं किया है जो आप आने वाले समय में ऐसा कुछ कर भी करेंगे जिससे जनता आपके तरफ रुझान करेगी और आपको वोटेगी? हमारे वार्ड में आशावारी जी पार्टी को करंट नगर सेविका नहीं करप्ट नगर सेविका कहा जाता है। करप्ट का मतलब क्या होता है कि भाजी वाले से लेके फ्रूट वाले से लेके छोटे फेरी वाले से लेके बड़े दुकानदारों से बिल्डर से छोटा मोटा सब जो हफ्ता चलते रहता है उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, नहीं विकास से भी मतलब है, उनको खुद का विकास करना है। बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं, वो विकास अपने खुद का कर रहे हैं, लोगों का नहीं कर रहे हैं। कौशिक जी, आपने कार्यक्रम भी रखा था बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या उद्देश्य रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंकी की राजनीति होती है, लेकिन आज आपने जो एक बंकी की राजनीति नहीं करते हुए बच्चों के लिए कुछ सोचा है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बच्चों के बारे में इसलिए सोचा कि वो बहाने जो बच्चे आते हैं वो साधारण मिडिल क्लास या गरीब घर के बच्चे हैं, तो गरीब घर के बच्चे के साथ में उसके पेरेंट्स भी आते हैं, तो वो पेरेंट्स को जोड़ने का काम हम ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से करते हैं। कौशिक जी, अगली राजनीति आपकी क्या होगी, रणनीति क्या होगी कि जब इलेक्शन आ रहा है लोग एक दूसरे को निभाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वही आप अपने वोटर की जगह बच्चों को प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं, अगला कार्यक्रम आपका किस तरह का कदम होगा जो आपको वोट बैंकिंग के जरिए आपको कुछ फायदा हो, ऐसा कुछ आपने सोच रखा?
में हम लोग ड्रॉइंग कंपटीशन किए है, तो ड्रॉइंग कंपटीशन में हमने कोई हमारा राजनीतिक फायदा सोच के ड्रॉइंग कंपटीशन नहीं रखा था। राजनीतिक अगर हमें फायदा देखना है तो हमारे पास 24x23 का एक ग्रुप बनाया हुआ है। 24x23 जो ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप में हम लोग ने 150 मेंबर को वोट के इकट्ठा किए हुए है और वो ग्रुप को 24x7 का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग ने हमारे वार्ड के जितने भी आम आदमी है सबको एक ही चीज बोला हुआ है कि हमारे ग्रुप में कोई भी तकलीफ हो, पारिवारिक हो, पड़ोसी की हो, या कोई गुंडागर्दी की हो, या राजनीतिक समस्या हो, बीएमसी की हो, पुलिस की हो, या कोई भी बीएमसी की कोई भी तकलीफ हो, हमारे ग्रुप का कॉन्टेक्ट करो, हम 24 घंटे में उसका निवारण करेंगे। साम दाम दंड भेद हमारे पास मैन पावर है, फंडिंग पावर है और पब्लिक का सपोर्ट भी है। कौशिक जी, पब्लिक का सपोर्ट के साथ ही वार्ड क्रमांक 13 में जिस तरह से खींचातानी हो रही है वार्ड क्रमांक बंटवारे को लेकर, आपकी दावेदारी कहां तक है? अगर एनसीपी ने आपके ऊपर नजर नहीं रखी, ध्यान नहीं रखा, आपके कामों को नजरअंदाज किया, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे कामों को कभी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ है वो वरिष्ठ पूरे वार्ड लेवल से, ग्राउंड लेवल से सबके काम देखते हैं, नहीं कोई किसी की काना खुशी को सुन के। अभी वार्ड में क्या है, सब माइनॉरिटी वाले भी है, हिंदी भाषी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, लेकिन हमारा 13 नंबर का वार्ड जो है वो 80 या 85% गुजराती मारवाड़ी लोगों का वार्ड है जी। और वरिष्ठ हमारे वो बात को नजरअंदाज भी नहीं करते और हमारे कार्य को देखते हुए वो हमें उल्टा प्रतिनिधित्व देते है कि और सहयोग भी देते है कि आप आगे बढ़ो, पूरी एनसीपी की ताकत आपके साथ में है। इसके बाद हमारे साथ है संतोष कदम जी, जो जिला प्रेसिडेंट है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह परिवर्तन रैली जो आप देश में आज मुंबई में किस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अदित पंचोली जी ने, सॉरी कौशिक पंचोली ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया है, काफी लोगों ने इसको सराहा भी है, क्या कुछ सराहना करते हैं कदम जी? सर बताइए कि किस तरह से कार्यक्रम रहा है और आगे क्या किस तरह की रणनीति रहेगी एनसीपी की? परिवर्तन रैली बोले तो आज लोगों में परिवर्तन करना है, क्योंकि मोदी जी ने सारे लोगों को है ना, सारे अपनी अपनी बातों में आगे आगे के सपने देके लोगों को गुमराह करके रखा है। और मोदी जी आश्वासन देते, काम तो नहीं करते, किसानों के मुद्दे के ऊपर से छा गए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लोगों को लगा ये होगा, बाद में टोल ना पे बंद करूंगा, वो करते करते अभी नोट तक आ गए, अभी लोगों को नोट भी ये करवा रहे हैं, 2000 की नोट दे रहे, गरीब लोगों को 2000 की नोट भी होगी तो छुट्टे भी ले लेते हैं, और गरीब लोगों के पास किसी गरीब लोगों के पास अकाउंट नहीं ओपन होता है, बेचारे इधर उधर काम करते गरीब लोग, उनको पगार ही 5-6 हजार रुपया रहता है, वो 2000 की नोट लेके क्या करेगा? और ये भ्रष्टाचार हो रहा है पहले, इसके बाद में हम लोग उन लोग बोले थे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, लेकिन काला धन लाने के पहले काला धन बढ़ रहा है, जिधर 1000 की नोट थी उधर लोगों को 2000 की नोट दी जा रही, तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको 2000 की नोट में और पैसा कम तरीके से रखना पड़ेगा, पैसा तो उतना ही रहेगा, लेकिन जिधर 100 की नोट 1000 की 100 नोट होती है तो इधर बढ़ा लोगों का, तो परिवर्तन अगर होना है तो इसीलिए लोगों को गुमराह करने के कारण हम लोगों ने परिवर्तन रैली निकाला है। लोगों में पहला परिवर्तन आना चाहिए कि एक चीज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आज आम जनता, गरीब लोग लाइन में खड़े, बैंक के लाइन में खड़े, उनको कोई पानी को नहीं पूछते, कितने लोग मर गए इधर धूप में रह के, आज बड़े लोग, कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन या कोई नेता कोई लाइन में नहीं खड़ा है, क्योंकि इन्होंने पहले 6 महीने पहले अपने अपने पैसे इन लोग ने हाइड करके रखे, इधर उधर जमीन में सारा चीज में, डेवलपर प्लान में सारा चीज में उन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर डाले, अभी गरीब लोग कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उनके पास ही ऑलरेडी होता है क्या, लेकिन जो खाने की 2 वक्त की रोटी मिलती है उनको, वो भी रोटी खाने को उनको बराबर नहीं मिल रहा है, आज ये भूखे रह के लाइन में खड़ा रह के सुबह बेचारा शाम का अनाज कैसा खाएंगे, उसके लिए बेचारा अपना 1000 की नोट 500 की नोट लेके बेचारा लाइन में खड़ा रहता है, ताकि शाम को उनको उधर से नोट मिले, ताकि वो अपना चावल भरे, दाल भरे और अपना पेट संभाले, बाकी का तो उनको पैसा रखना बैंक में वो तो अलग बात है, उनको नसीब नहीं है उनके, गरीब लोगों के बेचारे के, उनकी भी उन्होंने मोदी सरकार ने उनको उसी के बारे में भी उनका पूरा मन तोड़ दिया है। कदम साहब, वार्ड क्रमांक 13 की हम बात करेंगे, वार्ड क्रमांक 13 कौशिक भाई मेरा ऐसा एक स्लोगन चल रहा है, आप उसकी राय क्या है, आने वाले समय में किस प्रकार की उम्मीदवारी रहेगी उनकी, उसके बारे में बताइए। अभी देखिए, मैं तो वार्ड क्रमांक 10 में रहता हूँ,
मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेवा दल का जिला प्रेसिडेंट हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था, मैं आमंत्रण के हिसाब से यहाँ आया। कौशिक पांचोली जी के पास हमारे सचिन भरोहरी जी थे, सारे सेवा दल के कार्यकर्ता भी थे, बेसिक के कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। लेकिन कौशिक जी ने जो आज परिवर्तन रैली के बारे में चौक सभा रखी थी यहाँ, तो उन्होंने यहाँ के लोगों में परिवर्तन होना चाहिए, उनके विचार पूरे साफ सुथरे हैं। और आने वाले इलेक्शन में अगर उनको टिकट मिल गई तो मुझे लगता है कौशिक पांचोली जी यहाँ से जीत के आएंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है। वो सारे कार्यक्रम में जुड़े हुए रहते, चाहे वो गणपति रहने दो या तो महिला का कार्यक्रम होने दो, हल्दी कुंकू होने दो, ऐसा नहीं देखते कि मराठी का प्रोग्राम है कि यूपीएल का प्रोग्राम है कि गुजराती लोगों का प्रोग्राम है। सारे लोगों में वो जुड़े हुए और सारे लोगों यहाँ के लोग उन्हें मानते हैं अच्छी तरीके से। अगर उनको उम्मीदवारी मिल गई तो जीत के ही आएंगे, ताकि उनकी सोच कुछ अलग है, लोगों से सोच कुछ अलग है। उनको क्या लगता है, दस लोग अगर पत्थर पालने की जगह दो अच्छे आदमी रखेंगे वो मेरी तरक्की करेंगे, वही हिसाब से वो चलते। और इसी तरीके से कौशिक पांचाली जी का यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा बेहतरीन हो गया है। सीओ, आपने सुना एनसीपी के वार्ड क्रमांक 13 की, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार हमारे लिए आज्ञा करेगी, हमारे लिए ऑर्डर देगी, वैसे हम तैयारी करेंगे। आने वाले समय में वो पूरी तैयारी करेंगे, वो सारे काम करेंगे जो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए समस्या का हल निकले। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल, सोनिया।